बस चाचा आप एक फाइनल ले लो, उसमें पास आप पास। चाचा बैठ गए पंगत के अंदर, चाची लेडीज की पंगत में जाकर बैठी, लेकिन चाची ने सोचा ये कुछ न कुछ करने ही वाला है, बराबर चाचा के सामने बैठी। चाचा की पंगत वहां से वीडियो लेकर देख रही है, चाचा क्या कर रहा और भतीजा क्या कर रहा। पंगत चालू हो गई, लड्डू लेकर के भतीजा निकला और लाइन सर 1 2 3 4 सबको देता है, ना बोलता है उनको दो देता है, किसी का मुंह खोल के देता है, और चाची सब देख रहे, वीडियो शूटिंग कर रहे। हमें चाचा बूढ़े चाहे वटे का करवा रहे, जौन थी भारे लिए। और उतने में भतीजा चाचा के पास हाथ में लड्डू का थाल, चाची को लगा कि अब तो देगा, चाचा को भी लगा कि अब तो मेरी थाली में 2-4 लड्डू डाल देगा। और कमाल, उसने पूरा थाल नीचे रख दिया लड्डू का, नीचे पत्थर पड़े थे, उठा के चाचा की थाली में डाल, पूरे पंडाल में तब नीरव शांति। आसपास के लोगों को लगा कि चाचा का गुस्सा इतना जबरदस्त है, चाचा इस पत्थर से भतीजा का सर तोड़ डालेगा, यहां ही खून निकल जाएगा, मारा मारी हो जाएगी। वहां चाची बैठी बैठी तड़प, अभी यहां आवे तो उसको मैं 2 लाफा मार। लेकिन ये चाचा छरी पलता संग प्रभाव के लिए नहीं था, स्वभाव। आज जो मुझे बात करनी है वो प्रभाव की नहीं स्वभाव की। आज तक मैंने आपको प्रभाव की बहुत सारी बातें की, आज स्वभाव की बात यह है, संकेश्वर का संग पूरा होने के बाद आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए तो समझना कि आपके लिए यह संग प्रभाव का नहीं, यह संकेश्वर प्रभाव के लिए नहीं थे। स्वभाव यानी मेरे जीवन में जितने भी दोष है वो दूर हो जाए तो मेरे लिए संकेश्वर दादा स्वभाव। मुझे भगवान आपका प्रभाव नंबर 2 में चाहिए, मुझे आपका स्वभाव नंबर 1 में चाहिए। आपको अपने सगे भाई ने मस्तक पर सीला डाल दी तो भी आपने समाधि रखी, आप हाथी बने, आपका भाई सर्प बना, आपको डंक मार के दूसरे भाव में मार दिया तो भी आपने समाधि रखी। भगवान वो समाधि मुझे चाहिए। जब जब भी आप भगवान मनुष्य हुए, दिक्षाली, कभी भील बन के आया, कभी सांप बन के आया, कभी सिंह बन के आया, शेर बन के आया, हर समय आपको खत्म कर दिया तो भी परमात्मा आपने जो क्षमा रखी वही क्षमा लेने के लिए मैं अहमदाबाद से छरी पाली संघ में आया। जब भगवान शंखेश्वर का दर्शन हो जाए तब भगवान के पास प्रभाव नहीं, स्वभाव। प्रभाव के अनुभव तो बहुत कर दिए, भगवान मुझे आज स्वभाव चाहिए तेरा, मेरे क्रोध में परिवर्तन आ जाए, मेरा गुस्सा शांत हो जाए, मुझे व्यसन है पानपरा गुटका मसाला, बस भगवान आज यह मैं नक्की करता हूं मेरे जीवन में अब कोई व्यसन नहीं रहेगा, बाधा ले लेता हूं, कोई व्यसन नहीं चाहिए। भगवान आज से मैं घर जाने के बाद नक्की करता हूं कभी मैं जुआ नहीं खेलूंगा। जैनो जुआ खेले, श्रावण 8 के दिन ये तुम्हारा पर्व है, जो तुम्हारे पर्व है उसकी आराधना नहीं करनी है और दुनिया के पर्वों की आराधना करते है। जैनो 31 दिसंबर मनावे, रात को 12 बजे होटल में जाकर के पार्टी देवे, और इस दिनों में तो 31 के दिन ही भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याण। कहां पे मिलोगे? रात को 12 बजे ताज होटल में, अबेरे होटल में, हयात में, ग्रैंड भगवती में, कहां पे मिलोगे? कह दो इस 31 को रात को 12 बजे हमारा एड्रेस होगा संखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान। भले हम घर जाएंगे, परसों घर जाएंगे, महाराज साहब वापस हफ्ते में आते हैं, आप भी वहीं पर हो, हम वापस आ जाते हैं 30, 31, 1 जनवरी भगवान पार्श्वनाथ के धाम संखेश्वर में तेला करेंगे और प्रभु का जन्मदिन मनाएंगे। जैनो 31 नहीं मनाएंगे, जैनो व्यसनों का सेवन नहीं करेंगे। मैंने सुना है आपकी जो माझिया थी ना, वो जब घर में थी
तब घर में उबाला हुआ पानी का मटका मिलता था, गरम पानी, बराबर। हमारा गुजराती में कहवाय के गरम पानी ना माटला मरता था, आजे जैनों ना घर में पीवाना बाटला।